मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया इस चीज़ को, जिन लोगों का हाइट शॉर्ट है बट वो लड़का जिम में जाता है या लड़की जिम में जाती है तो उसका फिजिक ना बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, फिर उसका हाइट ना माने नहीं रखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ जो आप सभी के साथ हो रहा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप ये मिस्टेक ज़रूर कर रहे हैं, एंड अगर आप इसको सुधार लेते हैं आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका हाइट बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। एंड सबसे बड़ा मिस्टेक है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो नोट डाउन करना इस वीडियो को ना, तुम लास्ट तक देखना, ठीक है? चाहे वीडियो 4 मिनट करें, 5 मिनट करें, एंड लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं कमेंट को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको कि कमेंट आया क्या है। एनी मिस्टेक आप सब कर रहे हैं, ब्रो आई एम 15 ईयर 10 मंथ्स ओल्ड, एंड आप सभी का एज 1-2 साल इससे ज़्यादा होगा या 1-2 साल कम होगा, तो आप सभी सेम एज के, ठीक है? और भाई का एक बहुत ही बड़ा बैड हैबिट है, मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा बैड हैबिट है कि भाई लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। लेट सो रहे मतलब 1, 2 या 3 बजे ऐसे, और सुबह लेट उठते हैं। अभी स्कूल तो सब बंद है कोरोना के चलते, तो भाई 10-11 बजे से उठते हैं। तो क्या ये आपका हाइट को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुनना। देखो, हार्ट इंगेज करने के लिए मैं आपको क्या क्या कहता हूँ कि डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्कआउट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैं इन दोनों का भी साइड कर रहा हूँ, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप सही से रेस्ट नहीं लेंगे फिर आपका हार्ट कैसे इंक्रीज होगा? आप दिन भर खाना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग डे टाइम जब आप जगे रहते हैं आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होता है, और जब आप सोते हो ना उस टाइम आपका बॉडी खुद को रिपेयर करता है। जब आप दिन भर काम करते हो, आप एक्टिव रहते हो, तो आपका बॉडी बहुत टायर्ड हो जाता है, एंड जब आप सोते हो तब आपका बॉडी खुद को रिकवर करता है। इसीलिए जब आप सोकर उठते हो ना तो आप इतना फ्रेश फील करते हैं, बिकॉज आपका बॉडी खुद को रिकवर करता है ड्यूरिंग योर स्लीपिंग ड्यूरेशन। तो जब आप सो रहे हैं ना तभी आपका हार्ट इंक्रीज होता है, जब आप जगे रहते हैं, जब आप एक्टिव रहते हैं तब आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होता है। जब आप सोते हो सोने का 2 घंटा बाद जब आप गहरा नींद में चल जाते हैं तो आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करता है, एंड जब आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज कर रहा है सोने के बाद आपका हाइट तब इंक्रीज हो रहा है। तो जितना कम टाइम आप सोएंगे आपका हाइट उतना ही कम इंक्रीज होगा, एंड जितना ज़्यादा आप सोने में टाइम देंगे आपका बॉडी को उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा खुद को रिपेयर करने के लिए। समझो, जितना कम टाइम सोएंगे आपका बॉडी उतना कम रिपेयर कर पाएगा, उतना कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, एंड उतना ही कम आपका हार्ट इंक्रीज होगा। एंड जितना ज़्यादा टाइम आप सोने में देंगे आपका हाइट उतना तेज़ से ग्रो होगा, बिकॉज बॉडी को टाइम मिल रहा है खुद को रिपेयर करने के लिए। अगर सपोज आपका एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो अगर आपको 10 दिन दिया जाए तो आप उतना सही रिजल्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन कम है। लेकिन अगर आपको बीच में 2 साल दे दिया जाए तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेंगे, बिकॉज आपको टाइम दिया गया है। उसी तरह जितना टाइम आप सोने में देंगे आपका बॉडी खुद को उतना अच्छे तरीके से रिपेयर कर पाएगा, एंड आपका हाइट उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। कम टाइम सोएंगे कम हाइट इंक्रीज होगा, ज़्यादा टाइम सोएंगे आपको ज़्यादा हाइट इंक्रीज होगा। तो सपोज आप डेली रात 2-3 बजे सो रहे हैं, तो सोने का 2 घंटे बाद जब आप सो रहे तो आप गहरा नींद में जाते हो, डीप स्लीप में जाते हो, डीप स्लीप में आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। तो सपोज आप 3 बजे सो रहे हैं तो आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा बाय 5 o'clock, एंड उसके बाद सुबह हो जाएगा। फिर जैसे सुबह हो जाता चारों तरफ आवाज़, गाड़ी का आवाज़, आपके घर में कोई उड़ जाएगा वो लोग भी आवाज़ करेगा, तो फिर आपका कान में जाएगा, आपका नींद खुल जाएगा। अगर नींद खुल जाएगा मतलब आपका स्लीप क्वालिटी अच्छा नहीं है, बिकॉज आप गहरा नींद में नहीं, आपका नींद खुल रहा बार बार, और ऐसे नींद में कुछ भी नहीं होने वाला। गहरा नींद सोना आपको 8 घंटा प्रॉपर स्लीप क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, इस चीज़ को समझना है। अगर आप रात में सो रहे हैं फिर आप 2 घंटे बाद उठ रहे हैं, फिर सो रहे हैं फिर उठ रहे हैं, या नींद खुल जा रहा है, ऐसा स्लीप में कुछ भी नहीं होगा, आपका हाइट को अफेक्ट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको जल्दी सोना है और 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से सेट करिए अगर आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं, एंड इस चीज़ को आपको खुद मैनेज करना होगा।
एंड मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बच्चे लोग क्या करते हैं, देर रात तक मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, तो आपको गेम में नहीं खेलना है। अगर आप अपना हार्ट इंगेज करना चाहते हैं तो भाई कर लो, फिर नहीं तो बाद में पछताएंगे। बिकॉज अगर आपका एज पार हो जाएगा फिर आप अपना हार्ट इंगेज नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक सर्टेन एज के बाद आपका ग्रोथ पीरियड लॉक हो जाता है, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। एंड एक स्पेशल टिप देना कि स्लीप सही रखो, डाइट अच्छा लो, तगड़ा डाइट लेना है, मैक्रोस को काउंट करके खाओ, कुछ भी खाना खा रहे हैं देखिए कि इस खाना का क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, कितना प्रोटीन जा रहा है, कितना कार्ब जा रहा है, कितना फैट जा रहा है, इसमें कितना विटामिन है, कितना मिनरल है, हर चीज़ काउंट करके खाओ। जिस दिन आप काउंट करके खाना सीख जाएंगे उस दिन आपका हार्ट इंक्रीज होगा। और एक्सरसाइज में आपको वेट ट्रेनिंग करना है, साथ में आपको कोई भी एक्टिविटी पसंद है उसके साथ करिए। पहले आप वेट ट्रेनिंग कर ले, अगर आप पहले रनिंग कर लेंगे फिर वेट ट्रेनिंग करने जाएंगे अब थक जाएंगे, आप सही से वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले वेट ट्रेनिंग करिए, उसके साथ कोई भी एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। एंड आप पेशेंस रख कर काम करें, जितना पेशेंस रखेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। कुछ बच्चे लोग मतलब दो महीना वर्कआउट करते, दो महीना डाइट लेते, फिर कहता है कि मेरा हार्ट अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ। आपको पेशेंस रखना है, एंड जब आप मेरा हार्ट इंक्रीज डाइट वर्कआउट सब फॉलो कर रहे हैं, एक बार आप अपना ग्रोथ प्लेट्स चेक करवा लो। अगर आपका ग्रोथ प्लेट्स पहले से ही क्लोज है, फिर चाहे आप जितना अच्छा डाइट ले ले, जितना अच्छा वर्कआउट कर ले, आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखकर काम करें। एंड डाइट एंड वर्कआउट कभी भी आपके लिए ख़राब नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो चुका है, अब आपको सही डाइट नहीं लेना है, अब आपको वर्कआउट नहीं करना है। भाई हर एक इंसान के लिए डाइट एंड वर्कआउट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपका तो हेल्थ सही होगा, आपका बॉडी ज़्यादा मसल्स बनाएगा, आपका बॉडी अट्रैक्टिव लगेगा। जब आप सही डाइट लेंगे तो आपका बॉडी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कार्ब्स फैट्स आपका कोटा फुल रहेगा। एंड जब आपका सिलेंडर फुल रहेगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो कहा था कि आपको हर एक सिलेंडर को फुल रखना है, प्रोटीन का सिलेंडर फुल रखना है, कार्ब्स का सिलेंडर फुल रखना है, फैट का सिलेंडर फुल रखना है, विटामिन का सिलेंडर फुल रखना है और मिनरल्स का सिलेंडर फुल रखना है। डेली 5 से 6 लीटर आपको पानी पीना है। तो अगर आपका सिलेंडर भरा हुआ है मतलब आपका बॉडी एनर्जेटिक है, आपका बॉडी हेल्दी है। और अगर आपका सिलेंडर खाली रहेगा तो आपका बॉडी वीक होगा, आपका हार्ट इंक्रीज नहीं होगा। एंड बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको हर सिलेंडर को फुलफिल रखना है। एंड हर एक इंसान को सही डाइट लेना चाहिए, डेली वर्कआउट करना चाहिए, इसे एक एज अ लाइफ स्टाइल बनाओ। एंड मैं चाहता हूँ कि चाहे आपका हार्ट इंक्रीज हो या नहीं हो, भाई आप डाइट एंड वर्कआउट का हमेशा ध्यान रखें, पूरा लाइफ टाइम आपको करना है, नहीं तो बाद में जाके आपको बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। अपना फिजिक को सही रखो, उससे भी आपका पर्सनलिटी इंप्रूव होगा। अगर आपका हार्ट भी शॉर्ट है, साथ में आपका फिजिक भी अच्छा नहीं है, तो आपका पर्सनलिटी और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। एंड मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया इस चीज़ को, जिन लोगों का हाइट शॉर्ट है बट वो लड़का जिम में जाता है या लड़की जिम में जाती है, तो उसका फिजिक ना बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, फिर उसका हाइट ना माने नहीं रखता है, उसका फिजिक ना सब कुछ कवर कर देता है। तो आप अपना फिजिक को सही कर लो, देखना आपको फील ही नहीं होगा कि आपका हाइट शॉर्ट है, एंड आपका पर्सनलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा एंड कुछ सीखने को मिला होगा। एंड मैं अनडाउटेडली ये चीज़ कह सकता हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस को देखते हैं वो यहाँ से कुछ सीख कर जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना यार, लाइक करना, दम भर लाइक करो, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ। कमेंट करना कि किस रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए, आपके दिमाग में ऐसा कोई भी कंटेंट आ रहा है तो आप बताइए कि भैया मुझे इस रिलेटेड एक वीडियो बना कर दो, तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि हाँ ये टॉपिक तो भाई अच्छा है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं सोच रहा कि अभी खाली हार्ट के ऊपर वीडियोस लाऊं, ताकि जिन लोगों का हार्ट इंक्रीज नहीं हो रहा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा मीन्स रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग प्यार करें मेरे वीडियोस को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और भी हार्ट के ऊपर वीडियोस बनाऊं ताकि आप लोगों के हेल्प हो। तो अगर आप अपना हार्ट इंक्रीज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ।